R9 टीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कदम उठाया है, जहां एयरपोर्ट पर 24 घंटा डॉक्टर्स इसकी मांग कर रहे हैं। पहले सिर्फ 2 घंटा रहते थे डॉक्टर्स एयरपोर्ट पर, वहीं अब वक्त को और ज्यादा बढ़ाते हुए 24 घंटे की बात यहां पर कही जा रही है। तो कोरोना वायरस के बचाव के लिए डॉक्टरों की मांग थी कि 24 घंटे किया जाए, और असर यहां पर R9 टीवी की खबर का हुआ है, जहां एयरपोर्ट अथॉरिटी ने आखिरकार कदम उठा लिया है। और अरुण चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अरुण, एक ये सराहनीय कदम है, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से देश में अलर्ट किया गया है, उसके तहत ये मांग जायज थी और फिलहाल ये कदम उठा लिया गया है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक इकलौता चैनल है R9 टीवी जिसने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया, और उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी में जो स्कैनर मशीन लगाई गई थी, जिन्होंने काम किया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, कि जो भी चीन से जहाज आएगी, जहां चीन में फैला हुआ है कोरोना वायरस, उसको स्कैनर मशीन से यात्री होकर गुजरेंगे, इसकी खबर प्राथमिकता से दिखाई थी। लेकिन डॉक्टरों की टीम जो वहां पर एयरपोर्ट पे सिर्फ 2 घंटे तक रहती थी, क्योंकि जो टर्मिनल एयरपोर्ट है वहां, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय जहाज आते हैं, वहां पर सिर्फ 2 घंटे के लिए जो डॉक्टर की टीम ने ये भी 2 घंटे वहां पर रहती थी। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने देखा कि कुछ जहाज ऐसे भी हैं जो कई घंटे तक यहाँ पर रहते हैं, जिसको विदेशी यात्री यहाँ पर आते हैं कई जगह से, जिसको देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कदम उठाया कि यहाँ पर 24 घंटे डॉक्टरों की टीम निगरानी में रहना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस जो घातक वायरस है वो यहाँ पर लखनऊ में ना फैले, इसके लिए जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कदम उठाया, उन्होंने पत्र लिखकर लखनऊ के सीएमओ को दिया है। सीएमओ ने उनसे तैनाती के लिए, डॉक्टरों की तैनाती के लिए पूरी तैयारी कर ली है, और फिलहाल लखनऊ की तैयारी की बात करें अगर कोरोना वायरस की, तो यहाँ पर जो MGGI KGMU और सिविल अस्पताल में है, यहाँ पर बेड भी आरक्षित कर लिया गया है। लेकिन लखनऊ की जो खबर प्राथमिकता से दिखाई थी कोरोना वायरस की R9 टीवी ने, उसका कहीं ना कहीं खबर असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अरुण। तो अरुण, जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि 2 घंटे ही वहां पर डॉक्टर्स जो हैं सेवा दे रहे थे, क्योंकि जांच का जिस तरह से स्तर यहां पर बढ़ाया था, कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट था, उसको देखते हुए यहां पर तमाम इंतजाम किए गए थे, लेकिन डॉक्टरों की जो ड्यूटी थी वो महज 2 घंटे थी, और ऐसे में अब 24 घंटे यहाँ पर की गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने खुद इसका यहाँ पर एक कदम उठाया है।